को सामने रख के बात होनी पड़ेगी, इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक के इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो शपथ रसीद हो रही है। देखिए, अगर अपने हाथ में अपनी किस्मत नहीं आप रखें, जी अस्सलाम वालेकुम, देखें आप अगर अपनी किस्मत आप अपने हाथों में नहीं रखेंगे तो दूसरे आपकी किस्मत पर पूरा नहीं भी उतर सकते। ये मौसम ले लें, किसी को हारना है, हमें आगे क्वालिफाई करके जाना है, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पहला मैच ही आपने डट कर खेलना चाहिए था, पहले मैच के अंदर ही आपने सुपर ओवर भी मिला, सुपर ओवर के अंदर आपने बहुत ही गंदी बैटिंग का मुजाहरा और बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आप मैं समझता हूँ के मुकाबले से पाकिस्तान बाहर हो गया है। तो रमीज राजा काफी गुस्से में नजर आए टीम मैनेजमेंट एंड कप्तानी से, तो पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां भी मुमकिन है होंगी। पाकिस्तान टीम के अंदर कौन कौन सा प्लेयर चेंज होना चाहिए कमेंट लाजमी करें। तो पाकिस्तानी फैन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया।